क्या आपको पता है अगर स्टीव जॉब्स भारत न आते तो शायद कभी एप्पल कंपनी बन ही नहीं पाती और न ही उसकी टैग लाइन थिंक डिफरेंट बनी होती। क्योंकि जब स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों में घिरे हुए थे तब वो साल 1974 में इंडिया नीम करोली बाबा से मिलने आते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल गाइडेंस और सही डायरेक्शन में जा सके। लेकिन बाबा नीम करोली के न मिलने पर स्टीव जॉब्स ने 7 महीने तक भारत की गलियों और मंदिरों में घूम घूम कर जिंदगी को जीना और हिमालय के पर्वतों में रोजाना मेडिटेशन और योगा कर अपने आप को एक फोकस्ड और विजनरी इंसान बनाया ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। जिसके बाद स्टीव जॉब्स यूएस आते हैं और आने के कुछ ही साल बाद एप्पल कंपनी की शुरुआत करते हैं और एप्पल को एक के बाद एक कामयाबी मिलने लगती है। एप्पल की टैगलाइन थिंक डिफरेंट भी स्टीव जॉब्स ने महात्मा गांधी जी की स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर ही रखी थी।